Hi everyone, my name is Pooja Rawat and we have started a series of 5 questions on Agriculture and Rural Development. Here we will be discussing all the current affairs in the past one year. This will cover all the schemes, portals, indices and censuses with respect to Agriculture and Rural Development and this series is going to be helpful for the upcoming NABAD examination and those students who have still not started their preparation. You can start with us. This is the time. Let's start the session. So those who are watching this channel for the first time, can subscribe this channel, and you can also press this bell icon for the latest updates. You can also join our Telegram channel for the free quizzes and PDFs, and you can also post your queries there. So we are starting with this first question.

रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू एक्सटेंड द स्कीम टू सिटीज ऑल्सो इन ऑर्डर टू हेल्प द वर्कर्स हुए अनएम्प्लॉयड ड्यू टू दैंडेमिक तो आपको पता है कोविड पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोगों की क्या है जॉब चली गई थी तो इसी रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को सिटीज uh, के लिए भी एक्सटेंड किया था सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस स्कीम इन दिस पास द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इसके बारे में पढ़ते हैं और ठीक है सो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दिस इज अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिवेलपमेंट इट हैज थ्री ऑब्जेक्टिव लाइक्स रीड अबाउट दैम फर्स्ट थिंग इज प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ द रूरल रूथ यूथ को जो भी मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी स्किल्स चाहिए होती हैं उनमें इनको ट्रेन किया जाएगा सेकेंड थिंग इन्हांसिंग द इनकम थ्रू द स्किल ट्रेनिंग सो वंस द पीपल आर स्किल दे विल डेफिनेटली गेट द जॉब एंड दिस विल प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट थर्ड केटेड टू द करियर एस्पिशन्स ऑफ द यूथ तो जो भी रूरल यूथ हैं या फिर अब दिस स्कीम ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू द सिटीज जो भी यूथ है उसकी जो भी करियर एस्पिशन है दिस स्कीम इज गोइंग टू हेल्प देन इफ यू टॉक अबाउट दिशरीज सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दे शुड बी रूरल यूथ विद इन द एज पीरियड ऑफ फिफ्टीन टू थर्टी फाइव इज एंड दिस स्कीम इज एक्सटेंडेड टू सिटीज़ इज ऑल्सो या कीप दैट इन माइंड देन एस सी एस टी विमेन पी वी टीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हाउ मेनी आर दीज 75 these are so we have 75 PVTGs then person with disabilities so they have this relaxation in the age so up to 45 years of age they can get the benefit of this scheme next we have mandatory coverage of socially disadvantaged groups so are special criteria 50% beneficiaries they will be from the SCST group and then women will comprise of 33%. next, we have minority 15%. so this is the reservation. this is the mandatory reservation under this scheme. and then there is the guaranteed placement to at least 75% trained people. so all those people who are getting trained under this scheme, they will get placement. and there should be at least 75% people who are going to get placed after this training. If we talk about the implementation model, this is a three-tier implementation model as we have already talked about it. First one is the national unit. So, national unit is policy support. So, is normally policy making ka then state missions, ye implementation mein help karegi. and then at the bottom most there will be project implementing agencies. These are the agencies who are actually going to implement this scheme. राइट मूविंग फॉरवर्ड लेट स्टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट ट्वेंटी नाइनटीन ओके ट्वेंटी फॉरेस्ट रिपोर्ट द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज सो इससे पहले के हम आंसर के बारे में जाने फॉरेस्ट कवर होता क्या है यू शुड बी नोइंग अबाउट द फॉरेस्ट कवर सो देर आर टू टर्म्स विच इज फॉरेस्ट कवर एंड देन वी हैव फॉरेस्ट एरिया ठीक है तो फॉरेस्ट कवर में वो एरिया आता है जो canopy, status, कि ऑल द फॉरेस्ट कैनोपी ऑफ़ द लीगल स्टेटस यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उसे लीगली क्लेम किया किया गया है न, नहीं किया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सो एवरीथिंग दैट हैज फॉरेस्ट कैनोपी वुड कम अंडर कवर एंड देन वी हैव द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आर ठीक है तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इंक्लूडेड होते हैं So this, these forests are recorded under the government records. So these are RFS forest area, and then we have forest cover. So here the correct answer is C. That is twenty one point six seven. So these are very important terms: forest cover and forest area. You should be thoroughly clear about this. Let's move on to the next question. This is question number third, and this is also based on the Indian State Forest Report twenty nineteen it's very important here the first statement says it is published every two years so this is a biennial report and it published every two years absolutely correct the second statement says the forest area in the country has increased by 5188 square kilometer in the last two years with green cover area covering 25% of the country's total geographical area

ट्रीज और फॉरेस्ट को रिकॉर्ड किया गया है सो हेयर आंसर वुड बी ऑल ऑफ अबाउट इट इन डिटेल सो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ट्वेंटी दिस इज बायनियल पब्लिकेशन दैट मीन्स इट इज पब्लिश आफ्टर एवरी टू ईर्स ठीक है बायनियल है हर दो साल में पब्लिश होती है एंड इट इज डन बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द एजेंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर दिस Report is Forest Survey of India, and this comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Keep that in mind; very important. Then, the ISFR assess, assesses the forest and tree cover, bamboo resources, carbon stock, and forest fires. So, along with the forest and tree cover, it also records the bamboo resources, carbon stock, and the forest fires. The recent trend, okay. थर्ड है इट क्रिएटेड अ नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द प्रोड्यूस फ्रॉम फॉरेस्ट ठीक है तो अभी तक क्या होता था कि सिर्फ एरिया ही जो है काउंट करते थे कितना परसेंटेज ऑफ एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट ठीक है ग्रीन कवर कितना ज़्यादा है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्वेंट्री बनाई गई ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट ठीक है तो इसमें तुम्हारा फ्यूल वुड ठीक है फ्यूल वुड आएगा टिम्बर आएगा तो जितना भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक इन्वेंट्री क्रिएट की है और क्या फाइंडिंग्स हैं? फॉरेस्ट कवर अगर हम देखें स्टेट्स uh, को अगर हम कंपेयर करें एरिया वाइज सो मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड महाराष्ट्र इफ यू टॉक अबाउट इन दर्सेंटेज टर्म सो द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर

तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द मैंग्रुव कवर सॉरी ऑल्सो इंक्रीज बाई वन पॉइंट वन परसेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट ठीक है तो मैनग्रूव कवर में भी वन पॉइंट वन परसेंट का राइस देखने को मिला है एंड देन द टोटल कार्बन स्टॉक हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय सेवन थाउजेंड वन ट्वेंटी फोर मिलियन टन आस्क दिस क्वेश्चन पैरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था पैरिस अग्रीमेंट सॉरी ऑन द क्लाइमेट चेंज तो उसमें एक टारगेट सेट किया था कार्बन स्टॉक का इंडिया का वो कितना था यू हैव टू राइट इट डाउन ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर सो इन द वीक ऑफ इन द वेक ऑफ रिसेंट इम्फेसिस ऑन फोर्टिफाइड फूड्स ठीक है फोर्टिफाइड फूड्स न्यूज में बहुत सुना होगा ये टर्म जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो इस टर्म को इन्होंने बार बार सुना होगा मतलब लास्ट फ्यू फ्यूर्स सो इन द द वेक ऑफ ऑन फोर्टिफाइड फूड्स फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्टिफाइड राइस तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्टिफाइड राइस की इससे पहले मैं बता देती हूँ फोर्टिफाइड फूड्स होते क्या हैं फोर्टिफाइड फूड्स में कुछ नहीं होता है बस एडिशनल न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो ऐड की जाती है ठीक है तो जो इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रीन डेफिशेंसी जो है बहुत देखने को मिली है इंडियन पॉपुलेशन में इसी की वजह से uh, ये फोर्टिफाइड फूड का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया है और इसमें हम क्या करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं फूड की सो so, अगर फोर्टिफाइड राइस के बारे में बात करें तो वी हैव टू स्टेटमेंट्स हेयर फर्स्ट थर्न सेज इट हैज द पोटेंशियल टू डील विद इंडियाज़ प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रीशन एंड एनीमिया So, if you know and if you have read about the Global hun Hunger Index, India, And India has more than one-third uh, population of the children who are malnourished at this point of time, and 50%, in fact, more than 50% of Indian women who are in the reproductive state suffer from anemia. Thike? So, this is a major problem. This is a very big problem in India, and that's why we are focusing on the fortified foods here. Thike? The second statement says the fortified rice is a mixture of vitamin B12, iron, and folic acid. This is right. Both of these statements are correct. So the answer would be C. Okay? Let's move on to the next question. This is the last question of our series. So this says Unnati, sorry, Unnati. अ डिजिटल लाइवलीहुड एक्सेस प्लेटफॉर्म सो दिस इज अ पोर्टल ठीक है दिस इज अ डिजिटल पोर्टल लाइवलीहुड एक्सेस प्लेटफॉर्म हैज़ बिन लॉन्च बाई नीति आयोग नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है इन कलाबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई विच इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड विद द सपोर्ट ऑफ कारपोरेट सेक्टर ठीक है तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है किसने नीति आयोग ने अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम एस एम ई यूथ अफेयर एंड दैक्टर इज टारगेटेड एट वर्ड ठीक है तो ये जो पोर्टल है ये किसको टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है इज प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट से इस कनेक्टिंग ब्लू एंड ग्रे कॉलर वर्कर्स विद द जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाई एम्प्लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री थर्ड स्टेटमेंट सेंग एंटरप्री है सो पहले तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लू एंड ग्रे कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स सभी को पता होगा जो कि मैनुअल लेबर हमारे जितने भी होते हैं फायर मैं सॉरी माइनिंग में जो काम करते हैं मैनुफैक्चरिंग में जो काम करते हैं जो कि मैनुअल लेबर करते हैं दे कम अंडर द ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड देन वी हैव ग्रे कॉलर वर्कर्स तो ब्लू और वाइट के बीच में जो कैटेगरी फॉल करती है दे आर नोन एज द ग्रे कॉलर वर्कर्स ठीक है तो जिनका सैलरी बैंड अगर आप देखो तो वो उनको वाइट कॉलर भी नहीं कहा जा सकता और ब्लू कॉलर भी नहीं कहा जा सकता तो जनरली इनके पास स्किल सेट होता है जो गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज इतनी निकालती रहती है उनमें जो छोटे मोटे ट्रेनिंग्स जो इनको प्रोवाइडेड रहती हैं वो उस टाइप के जो वर्कर्स होते हैं उनको ग्रे कॉलर वर्कर्स कहते हैं एंड हे द करेक्ट आंसर इज बी ठीक है सो so, ये जो पोर्टल होगा वो जितने भी जॉब सीकर्स हैं एंड जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनको कनेक्ट करेगा ठीक है एंड दिस विल बी क्रिएटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज सो ऑल द जॉब प्रोवाइडर्स हु नीड एम्प्लॉयज विल कनेक्ट विद दीज सीकर्स दीज़ वर्कर्स एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑल दीज पीपल हु आर लुकिंग फॉर दी जॉब ठीक है सो वेरी इंपॉर्टेंट वन So, this is it with this particular session. We are done with this, and I hope you liked it. In case you have any queries, do post it down. Thank you so much.